डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी वन। तो आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि बीएड का जो सिलेबस है वो कैसा है, उसमें क्या क्या पढ़ना होगा आपको, और कितना असाइनमेंट बनाना पड़ता है, कितना प्रैक्टिकम बनाना पड़ता है, आपको टोटल मार्क्स कितने मिलते हैं प्रैक्टिकम में, कितना मार्क्स मिलते हैं असाइनमेंट में, और टोटल आपको कितना सब्जेक्ट है और किसमें कितना नंबर मिलता है, ये सब चीज़ों के बारे में आज आपको इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। ये आपका नया सिलेबस है। जो बीएड करना चाहते हैं उनको सबसे पहले अपना सिलेबस देख लेना चाहिए, ताकि समझ में आए कि क्या क्या सब्जेक्ट रहता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है बीएड में, और कैसा क्या लिखना पड़ता है, असाइनमेंट कितना बनाना पड़ता है, आपका प्रैक्टिकम कितना बनाना पड़ता है, थ्योरी कितना कितना नंबर का होता है, प्रैक्टिकम कितना नंबर का होता है, ये सारा चीज़ जानकारी पहले ले लेना चाहिए स्टूडेंट को। उसके बाद बीएड में एडमिशन कराना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीएड का सिलेबस। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, वो फर्स्ट ईयर का सिलेबस दिखाते हैं आपको। तो देखिए, ये है आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो कि आपका बीएड का है, और यह है आपका वर्धमान यूनिवर्सिटी का बीएड का सिलेबस। ज़्यादातर कॉलेज में, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आपका जो ये सिलेबस है सेम ही होता है, बस कुछ नंबर का फर्क रहता है, लेकिन सब्जेक्ट वही रहता है जो आपका इसमें है। तो सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं जो भी बीएड कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि सब कॉलेज में, सब यूनिवर्सिटी में आपका सिलेबस एक ही रहता है, जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। बस मान लीजिए आप 90% सेम ही होते हैं इसमें आपका सिलेबस। तो देखिए, ये आपका सिलेबस है 2021 का, न्यू सिलेबस है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है सेमेस्टर वन का, तो देखिए सेमेस्टर वन में आपको पढ़ना क्या है। तो सेमेस्टर वन में आपको सब पहला जो कोर्स नेम है, देखिए जो पहला कोर्स है कोर्स वन, यहाँ देखिए ये जो है आपका सबसे पहला जो है कोर्स वन। कोर्स वन में आपको पढ़ना है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसका मतलब होता है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का मतलब होता है बचपन और बड़ा हुआ। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ये देखिए आपका फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, टू हाफ में जो बटा हुआ है, इसको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में आपको पढ़ना है। और इसमें देखिए आपको जो थ्योरी है, थ्योरी में आपको मिलेंगे 50-50 करके 100 नंबर थ्योरी में, जो कि कॉलेज में एग्ज़ाम होता है जिसको थ्योरी कहते हैं हम लोग। उसमें आपको सेकंड हाफ और फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ मिला के दो दो पेपर, मतलब एक ही पेपर होंगे लेकिन उसमें दो हाफ में बटा हुआ रहेगा आपका पेपर। उसमें 50-50 करके आपको नंबर मिलेगा, जिसमें आपका टोटल नंबर हो जाता है 100 नंबर। और देखिए यहाँ पे जो 25 नंबर है, वो 25 नंबर है प्रैक्टिकम का आपका, ये जो है 25 नंबर ये प्रैक्टिकम का है। तो आपका टोटल कोर्स वन में टोटल आपका हो जाता है 125 नंबर। यानी कि आपको इसमें जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, इस सब्जेक्ट में आपको टोटल मिलते हैं 125 नंबर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 125 नंबर आपको मिलेगा, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ मिला के 50-50 करके 100, और प्रैक्टिकम में 25। आपको टोटल 125 नंबर का पेपर रहेगा ये। उसके बाद देखिए आपका सेकंड जो कोर्स है, कोर्स सेकंड का देखिए आपका, इसका सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एडुकेशन। इसका भी फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ है, इसमें भी 50-50 नंबर करके आपको थ्योरी का मिलेगा 100 नंबर, और 25 नंबर आपका इसमें भी है आपका प्रैक्टिकम। यानी कि इसमें भी आपको 125 नंबर मिलेगा कोर्स टू में। और देखिए आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोर्स वन में देखिए 1.1.1 करके जो लिखा हुआ है, ये जो है आपका, आप सोचिएगा ये क्या चीज़ है। तो ये जो है आपका 1.1.1 जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग, मतलब आपका जो सिलेबस है इसमें यूनिवर्सिटी इसको दर्शाया है, फर्स्ट जो डिजिट है वो कोर्स का डिजिट है, मतलब ये जो वन है, जैसे कि कोर्स वन का जो लिखा हुआ है 1.1.1, तो सबसे पहले जो ये फर्स्ट जो वन है इसका मतलब होता है कोर्स, और सेकंड जो ये डिजिट है इसका मतलब होता है आपका सेमेस्टर, और थर्ड जो डिजिट है इसका मतलब होता है कोर्स नंबर। तो
तो कोर्स नंबर, जैसे कि आपका ये कोर्स नंबर 1 है, जैसे यहाँ देखिए लिखा है कोर्स नंबर 1, ये जो कोर्स नंबर 1 लिखा है यानी कि ये कोर्स नंबर 1 को दर्शाता है लास्ट वाला, और सेकंड वाला आपका सेमेस्टर को दर्शाता है, और फर्स्ट वाला आपका कोर्स को दर्शाता है। तो ये हो गया आपका जो कोड है उसके बारे में। तो सब में देखिए उस तरह लिखा है, ये सेकंड कोर्स में भी देखिए लिखा है, कोर्स सेकंड में थोड़ा जूम कर देते हैं आपको, उसके बाद अच्छा से दिखाते हैं। देखिए जो ये सेकंड कोर्स है, कोर्स सेकंड, इसमें भी देखिए ये 1.1.1.1.2 जो लिखा है, ये जो 2 है ये कोर्स को दर्शाता है, और ये जो है ये सेकंड डिजिट जो है ये आपका सेमेस्टर को दर्शाता है। देखिए सब में आपको ये 1 1 1 मिलेंगे, 1 पॉइंट देखिए इसमें भी है आपका 1.1.1.4, यानी कि ये सब्जेक्ट कोर्स जो है कोर्स 4 है, इसीलिए लास्ट में 4 है, और फर्स्ट में कोर्स का कोड है, और सेकंड डिजिट जो है वो आपका सेमेस्टर है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें जो कोर्स 2 है, कोर्स 2 में है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एडुकेशन, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, इसको समझ में आ गया आपको। इसका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एडुकेशन का मतलब होता है समकालीन भारत और शिक्षा, इसका मतलब होता है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है बीएड में। उसके बाद देखिए कोर्स 4, तो कोर्स 2 के बाद कोर्स 4 आ गया यहाँ पे। तो आप सोचिएगा कि कोर्स 2 के बाद कोर्स 4 कैसे आ गया, कोर्स 3 होना चाहिए यहाँ, ठीक आपका सोचना ठीक है। तो देखिए कोर्स 3 जो है वो कोर्स 3 सेमेस्टर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आपको कोर्स 4 पढ़ना है, और कोर्स 3 जो है कोर्स 3 आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। तो देखिए इसमें कोर्स 4 में है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का अर्थ होता है पाठ्यक्रम के पार भाषा, इसको आपको पढ़ना है। इसमें देखिए थ्योरी कितना होता है, प्रैक्टिकम कितना होता है। तो देखिए इसमें आपको जो थ्योरी है वो 50 नंबर का होगा, और प्रैक्टिकम आपका 50 नंबर का होगा। तो 50 नंबर करके आपको दोनों चीज़ होगा, तो थ्योरी में आपको 50 मिलेगा, और प्रैक्टिकम का जो 50 नंबर होगा इसमें आपका प्रैक्टिकम का 2 कॉपी बनेगा, मतलब यानी कि प्रैक्टिकम आपको 2 कॉपी बनाना है प्रैक्टिकम का। देखिए वो कैसे पता चलता है, वो देखिए यहाँ लिखा हुआ रहता है, ये जो देखिए यहाँ 50 नंबर का मार्क्स है, यहाँ देखिए फर्स्ट में जो 50 50 है, इसमें देखिए 50 जो सेकंड में है वो है आपका प्रैक्टिकम का कॉपी, ये देखिए नीचे साइड में जो लिखा हुआ है आपको दिखा रहा, थोड़ा जूम करके देखिए अच्छा से, ये जो है ना ये थर्ड सेकंड वाला ये होता है आपका प्रैक्टिकम का कॉपी का कोड, यानी कि देखिए फर्स्ट वाला में जैसे था चाइल्ड ग्रोइंग अप में, उसमें देखिए 4+1 है, ये लास्ट वाला जो डिजिट है वो है आपका प्रैक्टिकम का है। 25 नंबर इसमें मिलता है आपको प्रैक्टिकम में, तो 25 नंबर का एक पेपर बनाना है, एक कॉपी, इसमें 50 50 का है तो 50 में 2 कॉपी बनाना है, 25 25 करके आपको नंबर रहेगा उसमें प्रैक्टिकम में। उसके बाद देखिए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये आपका सब्जेक्ट हो गया कोर्स कोर्स 4 में। अब है आपका कोर्स 5 में देखिए आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका कोर्स नाम है उसको पढ़ना है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। तो इसका अर्थ होता है अनुशासन और विषय को समझना। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, ये आपका कोर्स नाम है, इसमें आपका थ्योरी है 50 नंबर का और प्रैक्टिकम है 50 नंबर का, तो आपको 50 50 करके मिलेगा थ्योरी में और प्रैक्टिकम में। इसमें भी आपको 2 कॉपी बनाना पड़ेगा प्रैक्टिकम का, और एक पेपर आपको 50 नंबर का देना है थ्योरी का। उसके बाद देखिए कोर्स कोर्स जो है आपका 5 हो गया। उसके बाद कोर्स है लास्ट में EPC 1, इसमें आपको EPC 1 का पढ़ना है। इसमें आपका जो कोर्स नाम है उसका नाम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा थ्योरी का उसमें आपको मिलेगा, देखिए इसमें आपको थ्योरी में जो मिलेगा 25 नंबर का मिलेगा, और प्रैक्टिकम का 25 नंबर, यानी कि 25 और 25 मिला के ये आपका 50 नंबर का टोटल कोर्स है, सब्जेक्ट में आपको टोटल 50 नंबर मिलेंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर में आपका सारा सब्जेक्ट हो गया, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम देना है, टोटल आपको 500 नंबर मिलेंगे। उसमें देखिए थ्योरी में आपको 300 325 नंबर का थ्योरी होगा, और 175 नंबर का आपका प्रैक्टिकम होगा। तो दोनों मिला के आपका फुल मार्क्स कितना है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में फुल मार्क्स देखिए यहाँ पे है आपको 50 नंबर, सॉरी 50 500 नंबर का फुल मार्क्स है आपका यहाँ पे।
तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर। अब देखिए चलते हैं सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में कौन सा कोर्स है, क्या क्या इसमें कितना नंबर का, ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए आपका सेकंड सेमेस्टर में है कोर्स थ्री। कोर्स थ्री में जो है आपका 1.2.3 जो लिखा हुआ, देखिए यहाँ कोड लिखा, कोर्स कोड ये है। देखिए कोर्स का जो आपका कोर्स है उसका कोर्स फर्स्ट डिजिट है जो ये कोर्स को दर्शाता है। सेकंड जो है ये आपका सेमेस्टर को दर्शाता है। सेकंड डिजिट देखिए 2 लिखा है, यानी कि आपका सेकंड सेमेस्टर है। ये देखिए 1.1.3 जो लिखा है, ये सेकंड डिजिट जो है आपका ये सेमेस्टर को दर्शाता है। और थर्ड डिजिट जो है ये आपका कोर्स को दर्शाता है, यानी कि देखिए कोर्स का जो कोड है ये देखिए यहाँ पे 3 है, कोर्स 3 जो लिखा है ये आपका थर्ड डिजिट में है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये कोर्स 3 में आपको पढ़ना क्या है, तो इसमें आपको पढ़ना है लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में आपको पढ़ना है, तो लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें थ्योरी मिलेंगे आपको, थ्योरी में आपको मिलेगा इसमें 50-50 करके फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में, 2 हाफ में मिलेगा इसका आपको मिलेगा। और प्रैक्टिकम में आपको 25 नंबर का पेपर रहेगा, तो प्रैक्टिकम आपको 25 नंबर का बनाना है। और 50-50 नंबर का आपको फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में बटा हुआ है, इसमें 100 नंबर का थ्योरी पेपर होगा। देखिए यहाँ है 50-50 करके, ये प्रैक्टिकम का नंबर है। तो देखिए लर्निंग एंड टीचिंग का मतलब जो होता है ये आपको बता देते हैं। इसका लर्निंग एंड टीचिंग का मतलब होता है सीखना और सिखाना, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद कोर्स 4 में देखिए लिखा है, ये जो देखिए कोर्स 4 यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि कोर्स 3 आप यहीं पे पहले पढ़ लिए हैं। देखिए यहाँ पे सॉरी, कोर्स 3 यहाँ पे जो आप पढ़े ना, यहाँ कोर्स 3 पढ़े, जो कोर्स 3 यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं था। अब देखिए कोर्स 5 आ गया, 4 तक तो आप यहाँ पे पढ़ लिए हैं। देखिए यहाँ पे 4 तक पढ़ लिए हैं, 4-5 तक पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, फिर है आपका कोर्स 7A। कोर्स 7A में आपको पढ़ना पेडागोजी ऑफ है स्कूल सब्जेक्ट। पेडागोजी ऑफ है स्कूल सब्जेक्ट का मतलब होता है एक स्कूल विषय की शिक्षा शास्त्र। एक स्कूल विषय की शिक्षा शास्त्र के बारे में आपको पढ़ना है इसमें 8A में। इसमें आपको 50 नंबर का थ्योरी का है और 25 करके 2 पेपर बनेगा आपका असाइनमेंट का। इसमें 50 नंबर थ्योरी और 50 नंबर असाइनमेंट, टोटल 100 नंबर आपका इसमें मिलेगा। इसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए दिखा रहा 50 नंबर थ्योरी का और 25 नंबर प्रैक्टिकम का। 25-25 करके 2 पेपर बनाना होगा आपको प्रैक्टिकम का भी। इसमें 2 पेपर बनेगा आपका प्रैक्टिकम का, ये 25-25 करके 50 का। उसके बाद देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया था 25 नंबर करके 1 पेपर का, 50 नंबर कर 2 पेपर का, उसी तरह इसमें भी है आपका 50 नंबर का 2 पेपर बनेगा प्रैक्टिकम का। उसके बाद देखिए आपका जो ये कंप्लीट हो जाएगा 50-50 करके 100 नंबर का। उसके बाद आपका कोर्स 8A का जो है सब्जेक्ट, उसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1। नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1 का मतलब होता है ज्ञान और पाठ्यक्रम, ज्ञान और पाठ्यक्रम का पार्ट 1। इसके बारे में आपको पढ़ना है कोर्स 8A में। इसका जो है आपका थ्योरी का पेपर है 50 और प्रैक्टिकम का नंबर है 50। 2 पेपर इसमें, 1 पेपर रहेगा आपका प्रैक्टिकम का और आपका थ्योरी का 50 नंबर रहेगा। दोनों मिला के आपको 75 नंबर का मिलेगा नंबर, टोटल 75 नंबर का पेपर है ये आपका। जैसे देखिए उसमें 125 सर था, इसमें 100 था, इसमें सिर्फ आपको 75 नंबर का ही पेपर है। तो इस प्रकार ये बना लीजिएगा। उसके बाद का अब देखिए आपका है कोर्स 9। कोर्स 9 में देखिए है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसमें जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है सीखने के लिए मूल्यांकन। सीखने के लिए मूल्यांकन में आपका फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में, 2 हाफ में ये बटा हुआ है आपको 50-50 नंबर करके। देखिए ये रहा 50-50 नंबर करके, इसमें आपको 2 पेपर 2 हाफ में बटा हुआ, यानी कि पेपर आपको एक ही देना है थ्योरी का, उसमें आपका 2 भाग में बटा हुआ रहेगा फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ में। और इसमें जो आपका जो प्रैक्टिकम बनेगा वो 50 नंबर का प्रैक्टिकम बनेगा, जिसमें आपको 25-25 करके 2 प्रैक्टिकम बनाना, जिसमें आपको 50 नंबर मिलेंगे। यानी कि ये पेपर आपका जो होगा ये 150 नंबर का पेपर रहेगा पूरा पेपर, प्रैक्टिकम और असाइनमेंट और थ्योरी को मिला के।
अब देखिए यहाँ पे कोर्स ईपीसी टू है, ईपीसी टू का है ड्रामा एंड आर्ट्स इन एडुकेशन। ड्रामा एंड आर्ट्स ऑफ एडुकेशन का मतलब होता है शिक्षा में नाटक और कला। इसमें आपको 25 नंबर का थ्योरी रहेगा और 25 नंबर का प्रैक्टिकम रहेगा। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 25 नंबर का थ्योरी और 25 नंबर का प्रैक्टिकम। देखिए थोड़ा अच्छा से आपको दिखा देते हैं, ये जो सब्जेक्ट है ड्रामा एंड आर्ट्स एडुकेशन में 25 नंबर प्रैक्टिकम, 25 नंबर थ्योरी, टोटल आपको 50 नंबर का ये पेपर है, टोटल आपको 50 नंबर मिलेगा। तो देखिए सेकंड सेमेस्टर का आपका टोटल जो है, सेकंड सेमेस्टर में भी टोटल आपको 500 नंबर का टोटल पेपर है। तो टोटल मार्क्स जो आपका फुल मार्क्स है 500 नंबर का है, इसमें भी आपको 500 नंबर मिलेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिला के आपका हो गया 500 500 करके 1000 नंबर का आपका, 1000 नंबर का ये पेपर है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ मिला के, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मिला के। तो इसमें आपको बता देते हैं कि जैसे कि टोटल जो आपका 2 ईयर का कोर्स है बीएड, 2 ईयर का कोर्स में टोटल बीएड में आपको टोटल जो मार्क्स मिलेंगे वो टोटल मार्क्स कितने के होते हैं, वो 2000 टोटल मार्क्स 2000 होते हैं। इसमें 2000 में आपको बटा हुआ फर्स्ट सेमेस्टर में 500 मार्क्स, सेकेंड सेमेस्टर में 500 और थर्ड सेमेस्टर में 500 और फोर्थ सेमेस्टर में 500। तो आपको अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि कितने मार्क्स किसमें मिलते हैं, कितने पेपर बनाने पड़ते हैं असाइनमेंट को, और कितने प्रैक्टिकम का और कितने थ्योरी का नंबर मिलता है, सारा कुछ आपको समझना जरूरी है, तभी आप अपना बीएड जो है अच्छा से कंप्लीट कर पाइएगा और अच्छा मार्क्स के साथ पास कर पाइएगा। तो आपको हम आज इस वीडियो में यही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि किसमें कितना नंबर आता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, आज इस वीडियो में हम आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही आपका सिलेबस के बारे में डिस्कस किए। अगर आप इसका सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर का सिलेबस का बारे में डिस्कशन अगर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके लिखें कि आप सेकंड ईयर का भी सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे, आप उसके बारे में भी डिटेल से जान सकिएगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए सेकंड ईयर का भी सिलेबस के बारे में वीडियो लेके आएँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।